भारत ने अजहर इब्राहिम लखवी और सैयद को घोषित किया व्यक्तिगत आतंकी, अमेरिका ने की तारीफ। भारत ने नए आतंकवादी निरोधक कानून के तहत बुधवार को जैश ए मोहम्मद के सरगना समूद अजहर, लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज मोहम्मद सैयद और दो अन्यों को आतंकवादी घोषित किया। ईईएफ में शामिल होने से पहले वैश्विक नेताओं से पीएम मोदी ने की मुलाकात। इस बीच पंजाब के पटियाला शहर में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके को लेकर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि यह हादसा दिल दहला देने वाला है। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मेरे प्रति संवेदना है। तूफान डेरियन से मरने वालों की संख्या 20 हुई, राहत एवं बचाव कार्य जारी। तूफान डेरियन के कारण बहामास में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ग्रैंड बहामास और अबाको द्वीप की लगभग पूरी आबादी यानी 70,000 लोगों को तुरंत सहायता की जरूरत है। रूस में पीएम मोदी और शिंजो आबे की मुलाकात, रक्षा सहित कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने जापानी समकक्ष शिंजो आबे से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने आर्थिक और रक्षा क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कराने का संकल्प लिया। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।